अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन को, कि काइन मास्टर एप्लीकेशन को हम अपने मोबाइल में यूज़ करते हुए कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में बताऊँगा। वीडियो कम्प्लीट वॉच करना है, वीडियो को आप स्किप नहीं करना ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल भी कर दें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हमने जो एप्लीकेशन ओपन करा है, चाहे आपके पास जो प्ले स्टोर से डाउनलोड की हो या आपने ऐप की फाइल से की हो, मतलब ऐप की फाइल से मतलब कि आपने क्रोम से किया तो कोई इसके अंदर कोई फिर डिफरेंस नहीं, ठीक है। बस ये होता है कि वाटर मार्क जो है वो ऐप की फाइल वाली तरफ से जो रिमूव हो जाता है अगर हम कोई भी वीडियो सेव करें। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने न्यू एडिट करने है, वीडियो एडिट करने के लिए आपने प्लस वाले आइकन क्लिक करना है। यहाँ पे आपने साइज़ सेलेक्ट कर लेना, आपने इस साइज़ के मुताबिक बनाना है, इस साइज़ के मुताबिक बनाना है, इस साइज़ के मुताबिक, ठीक है। वो आपने साइज़ अपना जो है वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो कर लेते हैं ये स्क्वायर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वन रेशो वन पार्टनरशिप बनाने पर क्लिक करते हैं और हमारे पास ये आ गया हमारे पास फ्रेम, ठीक है। शायद अब इसको जो है मतलब कि अब आपने क्या करना है कि आपने जो है यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड चेंज करना था। यहाँ मीडिया पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करने पर यहाँ पे बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास बैकग्राउंड काफ़ी मल्टीपल मतलब पड़ेंगे ये देखिए। इसके बाद आप कलर वगैरह चेंज करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर कोई पिक्चर लिखानी है या कोई भी लोगो वगैरह लिखाना है, ठीक है। आपने मीडिया लेयर पे क्लिक करना है, लेयर पे क्लिक करने के बाद आपने जो है वो इधर आ जाना, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पड़ी है, ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो ये पिक्चर सी पड़ी है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर मतलब कहीं भी जो है सेट करना चाहें सेट कर सकते, इसको हम मैक्सिमाइज करना चाहें तो ये भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे भी आपने साइज वगैरह को सेलेक्ट वगैरह करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप एनिमेशन अगर आप इसके ऊपर लगानी चाहें तो आप एनिमेशन लगा सकते हैं, पैड लगाना चाहिए फॉर एग्जांपल आप ये भी शायद कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आप अगर इस तरह लिखना चाहिए इस तरह लिख सकते हैं, साइड से लिखना चाहिए साइड से, लेफ्ट साइड आप साइड से, ये शायद पेन वाला सही है, ठीक है। ये चेक कर लें, ठीक है। अब ये हमारी एनिमेशन, ठीक है। अब ये हमारी वीडियो सी, ठीक है। इसको हम जो वो चेक करते जो हमारी एनिमेशन लगी है, इसको हम जो वो ऐड करते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद आप मज़ीद इसके अंदर जो एडिट वगैरह मतलब कि आप वाले एनिमेशन वगैरह लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। मज़ीद ये देखिए यहाँ पे हैं, ये देखिए इस तरह भी आप जो है इसके अंदर जो है मज़ीद ओवरले वाले लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने वॉइस वगैरह ऐड करनी हो तो आप इसके अंदर जो अलाउ करके आप इसके अंदर जो है वॉइस वगैरह भी जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है वॉइस वगैरह भी ऐड हो जो है वो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने शेयर पर क्लिक करना है, आपने वीडियो सेव करने के लिए यहाँ पर 1080 मेगापिक्सल 720x540 तक भी जो है यहाँ पर इसकी जो है वीडियो क्वालिटी हो सकती है, ठीक है। तो आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करना और वीडियो आगे सेव हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।